हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आम जनता को लूट रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल आम जनता को जिस भाव से मिल रहा है उसमें 8% राशि टैक्स की है। उन्होंने कहा कि 1 लीटर पेट्रोल पर 2014 में एक्साइज ड्यूटी 9.40 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 32.90 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह 1 लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2014 में 3.56 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 31.80 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपनी टैक्स आय 67 वर्ष में 300% बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से भारत सरकार की आय 2014-15 में जो 74,158 करोड़ थी, बढ़कर 2020-21 में जो 2.95 लाख करोड़ रुपए हो गई। लोढ़ा पेट्रोल पंपों पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत सिरोही नगर कांग्रेस की ओर से राजमाता धर्मशाला स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि पेट्रोल प्रति लीटर कतर में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता ने अपने हाथों में तख्तियों एवं बैनर पर पेट्रोल डीजल की मार नहीं सहेगा। हिंदुस्तान डीजीपी पाताल में महंगाई आसमान में, जनता पर महंगाई का डाका यही है। मोदी राज का खाता, मोदी मतलब महंगाई। पेट्रोल डीजल की रेट कम करो, अच्छे दिन छोड़ो, पुराने दिन लौटा दो। मोदी राज में महंगाई बम, आम आदमी का निकला दम। इसी के साथ धरने में एक झांकी शामिल थी, जिस पर बाबा रामदेव द्वारा 30 रुपए पेट्रोल व काला धन वापस लाने की मांग स्मृति ईरानी ने अन्ना हजारे आदि से सवाल करते हुए लापता के बैनर लगे हुए प्रदर्शन में सभापति महेंद्र मेवाड़ा, उप सभापति जितेंद्र सिंह, नगर अध्यक्ष जितेंद्र, पार्षद ईश्वर सिंह डाबी, मुख्तार खान, समाज सेवी प्रकाश प्रजापत और NSUI राष्ट्रीय संयोजक दशरथ नरूखा, सुधांशु गौड़ आदि उपस्थित थे। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।